हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे कैलकुलस का चैप्टर सेकंड और एक्सरसाइज हम कर रहे थे 2.1 एक्सरसाइज। 21 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, आज 22th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। देखिए 22 क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट टर्म का स्क्वायर है, देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू 2। y2 and y1 are the differentiation of y of first order and second order। सबसे पहले differentiate करते हैं with respect to x, then y1 अगर हम find out करेंगे, सबसे पहले हमारे पास power आगे आएगी 2 into log of x plus under root of 1 plus x square, ये इसका angle हो जाएगा and power हमारे पास 1 रहेगी and फिर हम करेंगे logarithm का derivative, this is 1 by x plus under root of 1 plus x square and जब हम base का derivative करते हैं then 1 plus 1 upon 2 root of 1 plus x square and 2x, ठीक है। x का derivative 1 हो जाएगा और under root of 1 plus x square का derivative हो जाएगा 1 upon 2 root x 1 plus x square and जब आप under root के अंदर वाले term का करते हैं यानी base का करते हैं तो 1 इसका आ जाएगा 2x, 2 से 2 cancel, यहाँ पे LCM लेते हैं जैसे आप यहाँ पे LCM लेते हो ये हमारा LCM हो जाएगा under root of 1 plus x square, 2 से 2 cancel हो चुका है हमारा, यहाँ से x बच जाएगा एंड यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके। देन ये टर्म इससे कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर वही आ रहा है कि जो प्रूव करना है वो चेक करते हैं, वाई टू इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रही है, देन जो भी टर्म आपके पास यहाँ पे है इसको आप करिए क्रॉस मल्टीप्लाई विद वाई वन, देन बाई क्रॉस मल्टीप्लाई एंड अप्लाई स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों साइड हमें स्क्वायर करना है एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड साथ में आपको करना है स्क्वायर एंड वाई वन स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज अ 4 एंड लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर, बाकी टर्म तो मेरे पास 1 हो जाती है एंड इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ओपन करेंगे इसको, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर, 4 इंटू ये वैल्यू किसकी है वाई की इंटू वाई। अब हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे देन हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी। डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2 इंटू वाई वन इंटू वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू एंड वाई वन स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 इंटू वाई वन। थ्रू आउट 2y1 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से कॉमन निकालेंगे 2y1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक वाई वन कैंसिल हो चुका कॉमन निकाल के और यहाँ से बचेगा एक्स वाई वन इक्वल टू 2 एंड यही हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू 2 आना चाहिए। इफ़ एक्स इक्वल टू साइन टी वाई इक्वल टू साइन पी टी, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। देन फर्स्ट हम यहाँ से डेरिवेटिव करते हैं, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, एक्स और वाई टी के फंक्शन है, सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी टी, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करते हैं बिकॉज हेयर एक्स एंड वाई आर द फंक्शन ऑफ टी, देन वी गेट डी एक्स बाई डी टी, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टी एंड डी वाई डी टी फाइंड आउट करते हैं, दिस इज पी इंटू कॉस पी टी, ठीक है। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स,
देन डी वाई बाई डी एक्स पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर हम सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। ओके, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसको। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू रखिए, पी इंटू कॉस पी टी डिवाइड बाई कॉस टी। हमें चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ देखिए यहाँ पे हमें अभी तक तो हमने किया था विद रिस्पेक्ट टू टी, बिकॉज हमारे पास एक्स और वाई टी के फंक्शन थे। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देन लेफ्ट हैंड साइड पे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करते हो आप तो पहले हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। देन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा यू बाई वी मैथड से कॉस स्क्वायर टी कॉस टी एज इट इज एंड माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंड एंगल का करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ पी इंटू कॉस पी टी एज इट इज एंड कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, एंड मल्टीप्लाई बाय टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एंड डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं। ओके, देन सॉल्व इट, माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी इंटू कॉस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी इंटू साइन टी इंटू कॉस पी टी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर टी, एंड दिस इज डी टी बाई डी एक्स। अगर मैं इसको डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो इसको रिवर्स कर देंगे, वन बाय कॉस टी। ये हमें यूज़ करना है यहाँ पे एक्स इक्वल टू साइन टी वाई इक्वल टू साइन पी टी। तो इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट, एंड इसको इक्वेशन ले लेते हैं सेकेंड। एक्स इक्वल टू साइन टी इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, वाई इक्वल टू साइन पी टी इक्वेशन सेकेंड, एंड जो डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला है ये इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं साइन पी टी वैल्यू इसकी रख सकते हैं वाई, हमने इसके प्लेस पे वैल्यू रख दी वाई फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, एंड साइन टी इसके प्लेस पे वैल्यू रख देते हैं एक्स। ठीक है, एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आगे बनाते हैं हम, देखिए कैसे करना है। माइनस पी स्क्वायर वाई इंटू कॉस टी प्लस पी इंटू एक्स कॉस पी टी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर को मैंने लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और साइन टी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, देन साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है वन अपॉन कॉस टी। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखते हैं, पी कॉस पी टी इंटू सॉरी डिवाइड बाय कॉस टी, तो पी कॉस पी टी डिवाइड बाय कॉस टी इससे हम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ से देखिए इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर वाई कॉस टी, इससे आप जो है वो डिवाइड कर मीन्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, प्लस पी इंटू एक्स, एक्स हम एक साइड ले लेते हैं, एक्स इंटू पी कॉस पी टी डिवाइड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर, एक्स साइन टी की जगह रखेंगे एक्स, तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू वन बाय कॉस टी मीन्स कॉस टी। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फैक्टर ले लेते हैं हम अलग, दिस इज़ और ये जो जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो हमारा चल रहा है वाई टू यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव, एंड यहाँ से माइनस वाई कॉस टी को कॉस टी से डिवाइड करेंगे वन हो जाएगा प्लस, एंड पी स्क्वायर भी है इसके साथ, एक्स इंटू पी कॉस पी टी डिवाइड बाई कॉस टी।
समझ गए, कॉस्ट से हमने इसको भी डिवाइड कर दिया प्लस इस टर्म को भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड का यूज़ करते हैं और ये जो वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनेगी हमारी डी वाई बाई डी एक्स, एंड इसको जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू इक्वल टू माइनस वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई वन। ये कंप्लीट वैल्यू हमारी वाई वन की वैल्यू है, ठीक है। अब जो प्रूव करना है वो देखते हैं, वाई पी स्क्वायर मिल गया हमें टर्म, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस पहले वाई वन ले लीजिए माइनस एक्स वाई वन प्लस वाई पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एंड यही टर्म आपको प्रूव करनी थी, दैट्स प्रूव। 24th, if y equal to ax plus b upon cx plus d, prove that 2y1 into y3 equal to 3y2 square. Means हमें थर्ड डेरिवेटिव तक यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं जो हमें y गिवन है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा जी, डिफ्रेंशिएट करने से पहले यहाँ पे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, cx plus d into y equal to ax plus b। अब ये जो है वो ईजी हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सी एक्स प्लस डी एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव वाई वन प्लस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव करेंगे तो सी इंटू वाई एज इट इज़ हो जाएगा, ओके। एंड इधर आ जाएगा ए, बी का डेरिवेटिव ज़ीरो एंड एक्स का वन। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सी एक्स प्लस डी एज इट इज़, वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू प्लस सी इंटू वाई वन एंड प्लस सी इंटू वाई वन। देखिए ये जो हमने वाई वन एज इट इज़ लिया, सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ से सी आ जाएगा, और सी इंटू वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो सी इंटू वाई वन इक्वल टू ए था हमारे पास ज़ीरो, इक्वेशन थर्ड, बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्टेंट टर्म। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन सी एक्स प्लस डी वाई थ्री प्लस वाई टू एज इट इज, इसका आ जाएगा सी प्लस सी इंटू, इसको आप टू टाइम लिख लीजिए, इसको मैंने लिख दिया टू टाइम ऑफ सी इंटू वाई वन, टू इंटू सी वाई वन का हो जाएगा वाई टू, क्लियर। इस टर्म को हम लिखेंगे टू टाइम ऑफ सी इंटू वाई वन, ओके, दोनों को ऐड कर देंगे एंड इसका डेरिवेटिव आ जाएगा दिस इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन फोर्थ। अब हमें देखिए चाहिए आपसे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, सी एक्स प्लस डी इंटू वाई थ्री इक्वल टू, ये क्या बना यहाँ से थ्री टाइम, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, थ्री टाइम सी इंटू वाई टू, ये इक्वेशन फोर्थ ले लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं सी एक्स प्लस डी इंटू वाई टू इक्वल टू माइनस टू सी, ओके, ये इक्वेशन ले लेते हैं थर्ड, सी एक्स प्लस डी वाई टू, इन दोनों को ऐड करके राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। नाउ डिवाइडिंग थर्ड एंड फोर्थ, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है सी एक्स प्लस डी इंटू वाई टू एंड इक्वल टू माइनस टू सी वाई वन, एंड फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हो सी एक्स प्लस डी वाई थ्री ये चल रहा है राइट हैंड साइड पे आ जाएगा माइनस थ्री सी वाई टू, इस टर्म से टर्म कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ओके। यहाँ से रिमेनिंग फैक्टर इज अ वाई टू बाई वाई थ्री इक्वल टू टू वाई वन अपॉन थ्री वाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू वाई वन इंटू वाई थ्री इक्वल टू थ्री इंटू वाई टू स्क्वायर, दैट्स
रूट ऑफ अवर स्टेटमेंट 2 इंटू वाई वन इंटू वाई थ्री, 3 इंटू वाई टू स्क्वायर, दिस प्रूफ। क्वेश्चन 25th, इफ़ वाई इक्वल टू एक्स कॉस प्लस टी एक्स प्लस कॉट टी, शो दैट साइन स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव माइनस टू वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो। हमें सेकेंड डेरिव फाइंड आउट करना है, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, then differentiate again with respect to x, second derivative, this is equal to, इसको हम ले लेते हैं second equation, one का derivative zero, minus and minus plus, two cosecant x into minus cosecant x into cot x, minus two cosecant square x into cot x, this is equal to माइनस टू इंटू कॉट एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, कॉसिकेंट को हम लिखेंगे वन बाय साइन स्क्वायर एक्स, एंड जो हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स हमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देन इसकी मल्टीप्लाई कीजिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू कॉट एक्स, एंड कॉट एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, cot x इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, दिस इज इक्वल टू माइनस टू इंटू वाई माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देन साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस टू वाई प्लस टू एक्स, एंड लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आते हैं, देन ये माइनस का प्लस क्यों नहीं हुआ भाई, माइनस ऑलरेडी हमारे पास यहाँ से आएगा, ओके ये माइनस चल रहा था ये हमने स्किप कर दिया यहाँ पे, एंड ये प्लस हो जाएगा, प्लस दिस इज प्लस एंड प्लस, अब इसको करते हैं सॉल्व, ये रहेगा माइनस, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एक माइनस ऑफ 2y प्लस 2x इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। y इक्वल टू साइन ऑफ साइन x, प्रूव दैट सेकेंड डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है एंड फर्स्ट डेरिवेटिव। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ साइन x, ये जो साइन का एंगल दे रखा है साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, देन हम एंगल का डेरिवेटिव करते हैं इंटू कॉस एक्स, ये हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ये लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। देन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये एंगल एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, एंड फिर हम कॉस यहाँ पे करेंगे तो यू इंटू वी अप्लाई होगा, ओके सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये एज इट इज लेंगे, कॉस का हो गया साइन, एंड फिर साइन का करेंगे दिस इज कॉस एक्स, और एक कॉस एक्स हमारा एज इट इज चल रहा है, प्लस ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स एज इट इज, एंड कॉस का आ जाएगा माइनस साइन, देन ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो डेरिवेटिव चल रहा है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन इंटू साइन एक्स के प्लेस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम पुट कर सकते हैं वाई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से वाई पुट कर लिया हमने, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज ये चल रहा है हमारे पास, यहाँ से कॉस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एंड यहाँ से देखेंगे माइनस ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू हम फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा इधर, यानी कि वन बाय कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और मल्टीप्लाई में चल रहा है साइन एक्स हमारा ये एज इट इज, एंड इसके प्लेस पे हमने रखा कॉस साइन एक्स की वैल्यू डी वाई बाई डी डिवाइड बाई कॉस एक्स, ठीक है। देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस टर्म को हम लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस की हो जाएगी साइन बाय कॉस इज टेन,
एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड ये भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, देन दिस टर्म इज ऑल्सो पॉजिटिव कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो, दैट्स टू आवर रिजल्ट। क्वेश्चन 27 इज इफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस एन टी, हमें निकालना है एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, सेकेंड डेरिवेटिव। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, देन डी एक्स बाय डी टी दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी टी एज इट इज, एंड डेरिवेटिव करते हैं ई रेज टू पावर माइनस एन टी इन टू पावर का करेंगे माइनस आना जाएगा, प्लस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एन टी एज इट इज, एंड जब ए प्लस बी टी का करते हैं तो यहाँ से बी आ जाएगा, देन डी एक्स यहाँ पे देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इसके प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं वापस एक्स की वैल्यू, ओके ए प्लस बी टी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एन टी के प्लेस पे हमने रख दिया ये माइनस एन इन टू एक्स प्लस बी इंटू ए रेज टू पावर माइनस एन टी, ओके इसको आप राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ला सकते हैं या फिर बाद में देखें इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी देन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, प्लस यहाँ पे करते हैं हम बी एज इट इज ई रेज टू पावर माइनस एन टी एज इट इज एंड पावर का करेंगे माइनस एन आ जाएगा, ओके नाउ डी स्क्वायर ये हमें ये टर्म चाहिए, देन क्वेश्चन सेकंड अब हम इसका यूज़ करेंगे एंड बी इंटू ई रेज टू पावर एन टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है दिस बिकम्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन डी एक्स बाय डी टी एंड माइनस एन इसके प्लेस पे वैल्यू रखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन डी एक्स बाय डी टी ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस एन एक्स एंड ये माइनस हमने यहाँ पे ले लिया तो ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ अब यहाँ पे देखिए इसकी हम मल्टीप्लाई ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एन इंटू डी टी एंड ये हो जाएगा एन स्क्वायर इसको हम ऐड कर लेते हैं माइनस टू टाइम एंड लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं तो ये आ जाएगा प्लस टू एन डी एक्स बाई डी टी एंड इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे बाहर माइनस था ये टर्म भी माइनस की हो जाएगी जैसे ही आप माइनस एन से मल्टीप्लाई ओपन करेंगे यहाँ पे था हमारे पास इसकी वैल्यू रखी ये चल रहा है आपके पास ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस अंदर प्लस था तो ये माइनस का हो जाएगा एंड इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं एन स्क्वायर इन टू एक्स इक्वल टू जीरो ये आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 ये गिवन आपके पास स्टेटमेंट ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू वन देन शो करना है सेकंड डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है ज़्यादा लेंथी पढ़ने वाला है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स सबसे पहले एक्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करिए टू ए इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव विद जो यू इंटू वी मेथड से करेंगे टू एच इंटू एक्स एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का हो जाएगा वन प्लस टू बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो जो डी वाई बाई डी एक्स है उन टर्म्स को आप इकट्ठा कीजिए टू ए टू तो थ्रू आउट कॉमन आ रहा है टू को आप कैंसिल कर दीजिए कॉमन निकाल के देन ए एक्स प्लस अब यहाँ पे देखेंगे h की मल्टीप्लाई हमें इसके साथ भी करनी है एंड दिस फैक्टर h इंटू वाई ये हम एक ले लेते हैं एंड प्लस h इंटू एक्स एंड प्लस बी वाई ये इकट्ठा कर लेते हैं एंड dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा अब हमें वैल्यू चाहिए dy बाई डी एक्स की देन ax प्लस इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए एच एक्स प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई
एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस ए एक्स प्लस एच वाई डिवाइड बाय एच एक्स प्लस बी वाई। ओके, अब हम चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे यू इंटू वी मेथड, एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर, एच एक्स प्लस बी वाई एज इट इज, एंड डेरिवेटिव हम करेंगे देन ए का, एक्स का डेरिवेटिव वन ए रह जाएगा, प्लस एच इंटू वाई का हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। सेम टू सेम ए एक्स प्लस एच वाई एंड एच प्लस बी इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ओके, बाहर माइनस चल रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे जो आप सेकंड इक्वेशन का यूज़ कीजिए, या फिर डी वाई बाई डी एक्स आप सेकंड चाहे तो यहाँ से फाइंड आउट मीन्स बाय सेकंड लिख सकते हैं। हमें वैल्यू रखनी है डी वाई बाई डी एक्स की दोनों प्लेसेस पे। दिस इज इक्वल टू एच एक्स प्लस बी वाई इंटू ए प्लस एच इंटू, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम, देखिए माइनस की है वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस है, तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई डिवाइड बाय एच एक्स प्लस बी वाई। ओके, माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई एच प्लस बी इंटू, ये भी माइनस हो जाएगा बिकॉज वैल्यू जो डी वाई बाई डी एक्स की माइनस में है, ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइड बाय एच एक्स प्लस, सॉरी ए एक्स प्लस एच वाई एंड एच एक्स प्लस बी वाई, ये कंप्लीट वैल्यू रख देंगे। एंड डिवाइड किसे चल रहा है, डिवाइड बाय एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ये से डिवाइड चल रहा है हमारा। ठीक है, अब हमें इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लेती हूँ तो एच एक्स प्लस बी वाई कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे और ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, देन दिस इज इक्वल टू माइनस ए के, यहाँ पे मैं एलसीएम ले रही हूँ डायरेक्ट, ये एलसीएम ले लिया एंड ये एलसीएम कैंसिल हो जाएगा इस टर्म के साथ, देन ए एच एक्स प्लस ए बी वाई माइनस एच की मल्टीप्लाई कर लेंगे इस फैक्टर के साथ, माइनस ए एच एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई। क्लियर, ये एक फैक्टर हमने सॉल्व कर लिया है एंड इसका जो एलसीएम आएगा ये एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा बाहर वाले फैक्टर के साथ। ओके, माइनस, और अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये टर्म हम यहाँ तक ले लेते हैं एंड ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ये माइनस जो हमारा पूरी टर्म के बाहर चल रहा है। ओके, माइनस ये माइनस ए एक्स प्लस एच वाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम लेंगे एच एक्स प्लस बी वाई, एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच बी वाई, एंड यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी एक्स माइनस एच बी वाई। ठीक है, ऊपर वाली टर्म हमारी यानी कि न्यूमरेटर हमारा ये चल रहा है और ये इक्वल आप लगाइए यहाँ पे, एंड अपॉन में टर्म चल रही है, डिनोमिनेटर इज एस एच एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ जो कैंसिल हो रहा है टर्म कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल आउट एंड यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट। ओके, देन ये जो माइनस हमारा कंप्लीट न्यूमरेटर के बाहर चल रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड वाई इसके पास भी, वाई इसके पास, वाई कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर प्लस ए बी, ये एच स्क्वायर माइनस का है, ए बी माइनस एच स्क्वायर इंटू वाई, दोनों टर्म में से मैंने वाई कॉमन निकाल लिया है एंड ये माइनस अंदर लेके जाएंगे प्लस की टर्म हो जाएगी, प्लस ऑफ इस टर्म का हम लेंगे एलसीएम, ये ले चुके एंड यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं, प्लस ए एक्स प्लस एच वाई डिवाइड बाय एच एक्स प्लस बी वाई, एंड ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है यहाँ से एक्स
एंड एक्स फिर से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो ये बने एल स्क्वायर माइनस ए बी, क्लियर। एंड नोमरेटर चल रहा है हमारा एच एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से फिर से एलसीएम सॉल्व करना पड़ेगा, इसके मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं एंड जो न्यूमरेटर है वहाँ से हम इस माइनस को आप अंदर एडजस्ट कर दीजिए, ये प्लस एंड ये माइनस हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी ये कॉमन आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी कंप्लीट में से फैक्टर में से कॉमन। यहाँ से वाई एंड हम ले लेते हैं ये एलसीएम, देन एलसीएम लेंगे तो वाई इंटू एच एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे ए एक्स प्लस एच वाई इंटू एक्स, और ये जो एलसीएम लिया हमने ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई क्यूब, ओके। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये जो है आपके पास माइनस की टर्म चल रही थी ना, प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे कंप्लीट फैक्टर को, हमें चाहिए एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड में दिस, देन ये फैक्टर जो है वो एच एक्स प्लस बी वाई क्यूब वाई एच एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई दिस, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई, यहाँ पे आ जाएगा वाई की मल्टीप्लाई करिए एक्स वाई एच इंटू एक्स वाई प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई, ठीक है। एंड ये जो क्यूब वाली टर्म है इसको हम ले लेते हैं बाहर, एच एक्स प्लस बी वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, यहाँ पर हम रखेंगे कंप्लीट की वैल्यू, देखें एच एक्स प्लस एच एक्स एच एक्स वाई टू टाइम हो जाएगा यहाँ से, तो ये इसकी पूरे की वैल्यू आ जाएगी वन, एंड वन इंटू दिस इज एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई एच एक्स प्लस बी वाई क्यूब, दिस इज योर आंसर। 30 इफ एक्स इक्वल टू वन बाई टू प्लस वाई इक्वल टू वन बाई टू इक्वल टू ए रेज टू पावर वन बाई टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए, तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन बाय टू रूट एक्स प्लस वन बाय टू रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वन बाय टू कॉमन आउट लेके कैंसिल कर देंगे, देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप इधर लेके जाएंगे, देन माइनस रूट वाई बाय रूट एक्स, इक्वेशन फर्स्ट इसको ले लेते हैं एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज, रूट वाई का डेरिवेटिव करते हैं वन बाय टू रूट वाई डी वाई बाय डी एक्स, माइनस ऑफ रूट वाई एज इट इज वन बाय टू रूट एक्स, ओके। माइनस ऑफ यहाँ से देखते सॉल्व करेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट एक्स अपॉन टू रूट वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट वाई इंटू रूट एक्स, वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ पे, एंड रूट वाई अपॉन टू रूट एक्स दिस, और ये डिवाइड चल रहा है एक्स स्क्वायर करेंगे हमारा एक्स आ जाएगा ऐसे, ठीक है। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, रूट वाई से रूट वाई कैंसिल, माइनस को आप अंदर ले जाइए, माइनस एंड माइनस इज अ प्लस वन बाय टू, माइनस एंड माइनस इज ऑल्सो प्लस रूट वाई अपॉन टू रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स, सॉल्व करते हैं इसको, ये जो आपके पास आ जाएगा रूट एक्स, वन बाय टू कॉमन ले लीजिए, रूट एक्स प्लस रूट वाई डिवाइड बाय एक्स की पावर थ्री बाई टू, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू ए पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नाउ जो स्टार्टिंग से देखिए फर्स्ट इक्वेशन से रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू ए रेज टू पावर हाफ, देन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई के प्लेस पे पुट करेंगे ए रेज टू पावर हाफ एंड डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर 3/2. दिस इज द फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी एक्स के प्लेस पे हमें ए रखना है. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए रेज टू पावर हाफ अपॉन ए रेज टू पावर 3/2 माइनस करेंगे दिस इज 2. जैसे आप एक्स को ये रखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 ए. ठीक है, देन आज के लेक्चर में हम 30 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो लेंथी क्वेश्चन भी है एंड जो इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी आज के लेक्चर में कंप्लीट तो नहीं हो पाएंगे, नेक्स्ट एक और लेना पड़ेगा इस एक्सरसाइज का. एंड जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं टेलीग्राम लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ हर वीडियो के, तो आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा. एंड टेलीग्राम पे आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं एंड वहाँ से सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी. ठीक है, देन जो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए.